नीचे से ऑलमोस्ट थोड़ा ही ऊपर आए हैं और बहुत बहुत थकान हो रही है। इस ब्रिज पर चलने का मेरा सपना था, जो मैंने कहीं फोटो में वीडियो में देखा हुआ था, एंड आई एम सो हैप्पी। सो वी आर गोइंग टू एवरेस्ट बेस कैंप। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का वेदर, 21 डिग्री है और हम लोग थोड़ा सा सो गए थे 3 घंटे की फ्लाइट में। अभी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, बट भूख बहुत ज्यादा लगी है। हम काठमांडू पहुंच चुके हैं और दिस इज आवर रूम, बट लेट मी टेल यू कि ये बहुत ही अच्छा रूम है एंड हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है। बट हम सिर्फ एक दिन यहाँ पर स्टे करेंगे और फिर ये लग्जरी जो है वो उसके बाद नहीं रहने वाली है। सो यस, वी आर गोइंग टू एंजॉय द वॉशरूम, द फैसिलिटीज, क्योंकि कल से बहुत याद आएगा अगले 14 दिनों तक। तो हम चेकआउट कर रहे हैं काठमांडू की होटल्स एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि छोटे छोटे हमें ब्रेकफास्ट के पैक रेडी करके दिए हैं। ऑन द वे विल हैव इट, वी हैव अ फ्लाइट टू लुकला और हम सभी तैयार हैं। आप देख रहे हैं कुछ लोग स्ट्रेस में हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हैं कि खुश है। तो हम लुकला के लिए फ्लाइट में बैठ चुके हैं एंड इट्स गोइंग टू बी हाफ एन आवर ओनली और हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। हम पहुंच चुके हैं फाइनली लुकला। बहुत ठंड है एंड वी आर एंजॉयिंग द व्यू। आई हैव गॉन मैड, लुक एट दैट। नमस्ते, क्या नाम है आपका? शर्म आई। तो यहीं पर हम आज रात रुकने वाले हैं। इंटरनेट में कब से वेदर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम। अल्टीमेटली जानने को मिला है कि जहाँ पर अभी हम हैं वहाँ पर 7 डिग्री है और जहाँ पर यारो कल जा रहे हैं इट्स बीन अभी -2 डिग्री। अभी ये हाल है तो कल क्या होने वाला है? कल सोएंगे कैसे? स्लीपिंग बैग है ना हमारे पास। सो वी आर रेडी फॉर डे 2 और यहाँ से हमें चल के जाना है
हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही देख रहे हैं। I don't know आप वीडियो में कितना देख पाएंगे, बट बस वही हमारा मोटिवेशन है कि थकेंगे हारेंगे। 8 घंटे का आज डे 2 का ट्रैक है, नामची बाजार जाना है जहाँ पर -2 degree टेम्परेचर है और साथ में वहाँ पर स्नो फॉल हो रहा है ऐसा हमें बताया गया है। सो लेट्स सी, वी आर एक्साइटेड। प्रताप जी जो 17 साल के हैं और 20-25 किलो का वजन उठा रहे हैं, मतलब क्या बात है। और आगे संतोष जी जा रहे हैं जो हमें लीड कर रहे हैं। वेव कीजिए। वो सिर्फ कितने 25 साल के 25 साल के हैं और 7 साल से ये ट्रैक कर रहे हैं। वाव, गेटिंग रेडी अगेन। 3.5 घंटे का ट्रैक है, सनस्क्रीन लगा दिया है, कुछ लोग अभी भी लगा रहे हैं। सो हम पहुंच चुके हैं नामची बाजार और ये लास्ट टाउन है, इसके बाद कोई टाउन नहीं आने वाला है, फिर सिर्फ और सिर्फ जंगल होने वाला है, कुछ चीज़ें भी मुश्किल से मिलेगी। आज है day 3 और हम हैं नामची बाजार में। कल रात ऑलमोस्ट -2, -1 degree टेम्परेचर था, हम लोग 4 लेयर थर्मल, 2 थर्मल टी शर्ट, फ्लीस जैकेट और ये जैकेट पहन के सो गए थे, फिर भी ठंड लग रही थी और हमने ग्लव्स भी पहने थे। बेसिकली बहुत ज़्यादा अभी भी ठंड है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं खुमजुंग। बैग उतर चुके हैं, जैकेट की चेन खोलनी पड़ रही है, जैकेट उतार नहीं सकते क्योंकि पवन है, अंदर गर्मी लग रही है क्योंकि हमारी सांसें फूल चुकी है। इतना मुश्किल था, 10 मिनट भी कैसे काटे हैं, ऐसा लग रहा है आज का ट्रैक कैसे होगा। सिर्फ नज़ारा देखकर थोड़ी थकान दूर हो रही है, बहुत टफ है। अभी हेल्दी वेल्दी भूल जाओ, इतना ट्रैकिंग करके चॉकलेट खानी पड़ती है, शुगर इज इम्पोर्टेंट और इलेक्ट्रोलाइट भी। आउटस्टैंडिंग 77। वाओ, थैंक यू। नमस्ते, you're kidding me, guys, 77 and 71 sachcha wala simple chalo simple ko हम पहुंच चुके हैं खुमजुंग या खुमजुंग और ये है यहाँ का रूम। गुड मॉर्निंग day 4। मैंने अभी ऑरेंज खाया एंड बाहर का वेदर एंजॉय कर रही हूँ। जस्ट हैव अ लुक, सिर्फ अभी तो day 4 है, इसे हमारा लक मानो, बैड लक मानो, बट आज ही स्नोफॉल हो चुका है और इतनी ज़्यादा ठंड में हम लोग ट्रैक करने वाले हैं। हाय बडी, स्नो में यहाँ पर नीचे
कहाँ पैर रखना वो समझ में भी नहीं आ रहा है, इसीलिए स्टिक है, बट स्टिक से भी थोड़ा सा जजमेंट लगाना मुश्किल हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पर है और हम वहाँ से आए हैं, एंड दैट इज ये वाली नदी। सो हम लोग अभी ऑलमोस्ट 1:30 बजा है, 7:30 बजे के निकले हैं। हवा निकल चुकी थी पर फिर भी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे, बीच में मोटिवेशन सॉन्ग्स भी हमें बजाने पड़े। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेके हॉट चॉकलेट हमने लिया है और अभी बस आधा घंटा है और हम होटल पे पहुँचेंगे टू हैव लंच। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, दिस इज आवर होटल। आज का स्टे यहाँ पर है, दिस इज दिबुचे। आज है day 5 और हम हैं दिबुचे में। हम जाने वाले हैं आज दिबुचे और यहाँ पर -7 degree टेम्परेचर है, पर इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर व्यू इतना गजब है। प्लस कल पूरा दिन स्नोफॉल हुआ था, हमने ये नज़ारा नहीं देखा था। आज सुबह जैसे ही उठे इट वॉज अ सरप्राइज फॉर अस, और जो बड़ा सरप्राइज है वो हमें पता चला कि जो पीछे आप बादलों में ढका हुआ दिख रहे हैं, बादलों के बिल्कुल आगे वो है एवरेस्ट, जहाँ पर हम नहीं जाने वाले हैं, उसके बेस कैंप पर जाने वाले हैं। समिट यस, पहले हम बेस कैंप कर ले, बट वी आर सो एक्साइटेड फॉर टुडे। आज 6 घंटे का ट्रैक है, लेट्स सी आज कैसा एक्सपीरियंस रहता है। थोड़ा सा सनी होगा तो वी आर मोर एक्साइटेड, क्योंकि इतने दिनों में हमने सन बहुत कम ऑलमोस्ट नहीं देखा है। हम टमाटर जैसे हो चुके हैं या तो जोकर जैसे, जिसका सिर्फ नाक लाल हुआ है। बहुत ही अच्छा सा कैफे दिख गया, तो हम लोग सोच रहे थे कि यार यहाँ पर रुके या फिर डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुँच जाए, बट फिर डेस्टिनेशन पे पहुँचने का जो मज़ा है उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा जर्नी है। सो वी आर स्टॉपिंग हियर एंड वी आर हैविंग लोग कहते हैं कि शुगर बुरा है, बट जब ऐसे ट्रैक पे आते हैं तब शुगर भगवान के बराबर लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो जाती है दैट यू आर नॉट इवन एबल टू वॉक वन स्टेप। आज है day 6 और आज तो बहुत ही मज़ा आया क्योंकि हम हैं दिबुचे में और यहाँ पर सुबह जैसे ही उठे हमें पता चला कि ब्रश करने के लिए पानी बर्फ बन चुका है। कहीं पर भी हम सभी जगह पर गए, पूरी होटल में जहाँ पर भी पानी था वो सारा बर्फ बन चुका था। तो ब्रश करने के लिए हमने कुछ रास्ता निकाला, यू नो माउथ वॉश हमारे पास जो था उसका इस्तेमाल कर लिया। नहाने की तो संभावना ही नहीं है, इतने दिनों से हम नहाए ही नहीं है, बट वी आर यूजिंग समथिंग लाइक दिस वेट वाइप्स। तो ये है हमारा शावर, इसे हम शावर दे रहे हैं। माइनस
-10 ठंड में अगर ये हनी लेमन टी मिल जाए और सनलाइट मिल जाए तो आप जो ऊपर देख रहे हैं बस वहाँ तक जाना है। और जैसे मैंने बताया आपको एक्लिमेटाइजेशन के लिए हम देखने वाले हैं कि कैसा हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स आ रहा है। नीचे से ऑलमोस्ट थोड़ा ही ऊपर आए हैं और बहुत बहुत थकान हो रही है। एक्चुअली सांस लेने में बहुत चैलेंज आ रहा है और जब इनको देखते हैं कि अलग अलग लोग इतना सारा वज़न उठाकर जा रहे हैं तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है, प्लस ये व्यू देखकर और मोटिवेशन आ जाता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुक रहे हैं टू सी कि बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम है 4650 मीटर्स के ऊपर एंड इट इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग। Day 7 it is and -11 degree temperature अभी हम है डिंगबुचे में। हम जाने वाले हैं लबुचे और ये नाम बोलने में बहुत मज़ा आ रहा है। कल अक्लिमेटाइजेशन का इन अवे रेस्ट डे था, 2.5 घंटे हम 200 मीटर ऊपर से नीचे आए। हमने कल ऊनो खेला, कार्ड्स खेले, बहुत सारी बातें की, सत्संग किया। इट वॉज़ अ वंडरफुल वंडरफुल रेस्ट डे एंड इट वॉज़ मच नीडेड क्योंकि आज इतनी सारी एनर्जी इकट्ठा हो चुकी है क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग डेज होने वाला है क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा और डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और उसी के साथ साथ हम थोड़ा ऊपर जब चढ़ेंगे ऑलमोस्ट 5010 के लेवल पर जाने वाले हैं लबुचे। सीधा सीधा ही चलना है उस पहाड़ से इस पहाड़ जो लबुचे हैं वहाँ तक हमें जाना है। ऑलमोस्ट 5 मिनट होती है ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट होती है ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं, इलेक्ट्रो लेते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बाहर लेते हैं। क्रॉस तो करना ही है क्योंकि कल है ABC का डे और आज इन अवे हमारा टेस्ट है। लंबा ट्रैक और मुश्किल भी है। ये जो है ये मेमोरियल है उन लोगों का कि जो एवरेस्ट टॉप पर गए और वापस नहीं आ सके। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। हमारी धड़कन हम कान तक सुन पा रहे थे। वी वर एबल टू फील आवर हार्ट बीट कॉन्स्टेंटली। हमारा ब्रेथ, हमारा पूरा बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, इन अ वे वी आर फीलिंग आवर बॉडी कम्प्लीटली। और एक तरह से मेडिटेशन हो रहा था। बट सो ग्रेटफुल टू दिस अमेजिंग बॉडी कि जो हमें इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना टफ ट्रैक है उसके बावजूद। Day 8 it is and आज है दिन EBC का, एवरेस्ट बेस कैंप। आज हम पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट 8 घंटे का ट्रैक है, वैसे 6-7 घंटे बट हमने थोड़ा सा लंबा ट्रैक लिया हुआ है। और उसके साथ साथ आई हैव टू टेल यू कि आज रात को सोने में बहुत ज़्यादा चैलेंज हुआ था। हम सभी जो भी 8 लोग थे ऑलमोस्ट सभी रात को बीच बीच में उठ रहे थे क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट 12:30 बजे उठी और ऐसा लग रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूं, तो 2 मिनट थोड़ा सा मैं बैठी, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग किया और लेफ़्ट और राइट नोस्ट्रल को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश की और फिर उसके बाद वापस से सो गई एंड आई वॉज़ एबल टू ब्रीद प्रॉपरली। 1 घंटा लगा वापस सोने में। सुबह जब उठे हम लोग सिर्फ सीढ़ियाँ थोड़ी सी भी ऊपर नीचे करते थे या इवन ब्रेकफास्ट आज जब किया उसमें भी सांसें फूल जाती थी एंड इट वॉज सो सरप्राइजिंग कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बॉडी में कितना डिफरेंस आ जाता है। एंड वी आर यू नो सो ग्रेटफुल टू द बॉडी कि जो अडेप्ट कर लेता है इतना ईजीली। सो आज
और हायर ऑल्टीट्यूड पर हम जाएंगे 5364 meters के ऊपर, और हल्का सा हेडेक है हम ऑलमोस्ट सबको, हल्का हल्का हैवीनेस है हेड में बिकॉज प्रॉबली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑल्टीट्यूड, बट वी आर एक्साइटेड बिकॉज दिस इज द डे. Guys, finally, we made it to EBC. How are you feeling? Top of the world. Woo! हमारी एनर्जी फिजिकली टोटली डाउन है, बट मेंटली बहुत ही अप है. क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई माउंटेन पर जीत नहीं थी, अपने आप पर जीत थी. आज का दिन ऐसा था कि हमें लग रहा था कि हम गिव अप करते बीच में. सीरियसली हम सबको कुछ ना कुछ चैलेंज फेस हो रहा था. वो हेडेक हो सकता है, वॉमिट हो सकता है, या चिड़चिड़ापन हो सकता है, या बहुत सारी थकान हो सकती है. बट वी आर सो हैप्पी कि जैसे ही वो एवरेस्ट बेस कैंप 5364 meters हमने जैसे ही देखा, सारी थकान दूर हो गई. एंड वैसे बीच में एक पार्ट ऐसा भी आया था कि इसके ऊपर बैठ के वापस चले जाए. यस, वी वर थिंकिंग कि घोड़ा या क्या कुछ कर ले हम और उसके ऊपर इंसान के ऊपर बैठ जाए. लेकिन अब बेस्ट पार्ट, द बेस्ट पार्ट इज, यू नो गाइस, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? इट्स ऑल डाउनहिल. जो हम चढ़ के आए थे 8 दिन में, वो अभी हम 3 दिन में नीचे उतरने वाले हैं. सो आज हमें 4 से 5 घंटे नीचे जाना है, कल 6 से 7 घंटे, परसों के दिन भी और 6 से 7 घंटे, बस उतरते ही जाना है. टोटल 120 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट किया है गाइस. थैंक्स टू द अमेजिंग, यू नो, ग्रुप वी हैड. इतना मोटिवेशन, इतना डेडिकेशन, एक दूसरे को, खुद डाउन है बट दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं. Okay, let's go, guys. Great. Awesome, let's go. Day 10 में जैसे ही हमने उतरना शुरू किया, इतना इजी था, इतना हमें सांस नहीं फूल रही थी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ रहा था जैसे जैसे नीचे जा रहे थे. और साथ में हमारी लंग की कैपेसिटी, हार्ट की कैपेसिटी मुझे लगता है पिछले 8 दिनों के दौरान काफ़ी इम्प्रूव हुई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत आसान हुआ. और आगे जब हम घर पे जाके वर्कआउट करने वाले हैं, आई नो एक अलग किस्म का मोटिवेशन मिल चुका है जो शायद ना मिलता अगर हम ईबीसी ना आते. फाइनली हम 3 दिन कंप्लीट कर चुके हैं जो हमें डाउन हिल आना था. करीबन हमने टोटल मिलाकर 128 किलोमीटर्स क्रॉस किए हैं. और आज का और कल का दोनों दिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे क्योंकि कल 20 किलोमीटर नीचे आना था, आज 19 किलोमीटर नीचे आना था. और फाइनली जब हम यहाँ पर पहुँचे अपनी होटल क्ला, तो बारिश से हमारा स्वागत किया गया एंड वी आर नाउ गोइंग टू सेलिब्रेट. Let me tell you, अगर अब तक दुनिया में हमने जो भी अब तक अपनी जिंदगी में जो जो ट्राई किया हो उसमें अगर सबसे मुश्किल कुछ गिनना हो तो वो था एवरेस्ट बेस कैंप. मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान ईबीसी एक बार कर ले अपनी लाइफ में तो उसके लिए बाकी सारे टास्क बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, बिकॉज डिफ़िकल्ट शब्द एक्चुअली ईजी है ईबीसी के लिए. इट इज़ रियली टफ, बट अगर आप माइंडसेट रखते हैं पॉजिटिव, यू नो, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और यू नो अपने माइंड को कन्विंस करते हैं दैट येस यू कैन डू इट, देन यू कैन डू इट. फाइनली हम जा रहे हैं लुकला से काठमांडू. एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और बहुत सारी ढेर सारी मेमोरीज लेके हम वापस जा रहे हैं. ये भी डिसाइड कर लिया है इसके बाद का ट्रैक हम कहाँ करेंगे, बट ये सिर्फ 11 दिन का ट्रैक, 15 दिन की टोटल ट्रिप ने हमें इतनी सारी सीख दे दी है
कि शायद हमारी पूरी ज़िंदगी में हमें इतनी सारी एक साथ सीख शायद किसी चीज़ ने दी होगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं EBC एवरेस्ट बेस कैंप, लेट मी टेल यू, ईजी नहीं है। ट्रेनिंग की ज़रूरत है और माइंड सेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। नोबडी कैन स्टॉप यू इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू इट।